के जानवर है, खेती है। पूना से बेंगलोर जाने वाला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 और उस रोड के नज़दीक हीरे बगोड़ी गांव आता है, जो मेरे घर से तकरीबन 25 किलोमीटर, और ये नेशनल हाईवे के पास। अभी मैं सांप पकड़ने के लिए आया हूँ। बहुत ही सुंदर घर, ग्रामीण फील आता है। और सर आपका नाम कैसा है? होली कवि। तो ये इनके बैल है, सुंदर बैल, कभी हमारे भी हुआ करते थे जब मैं खेती संभाला करता था। तो इसलिए नेचर, खेतों के घर हमें बहुत पसंद आते हैं और शायद आपको भी आते होंगे। और ये खेती है पूरी, राष्ट्रीय महामार्ग को लग के ये पुरान का घर वगैरह है। इस तरह से वातावरण वगैरह है, बहुत अच्छा सुंदर घर। आप पहले गांव में रहते थे? हाँ, पहले गांव में रहते। ये कितने साल हुआ बांध के? 10 साल आते रहते क्या? कैसा होता है, लगता है इधर? अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी अच्छा लगता है इधर। आपने काफ़ी मतलब ऐसा घर होने के बाद भी साफ सुथरा रखा हुआ है, मेंटेन रखा है, क्लीन वगैरह। और इसमें आप गया है क्या? इसमें अंदर गया हुआ है, हो सकता है नाग हो, धमन हो, आस पड़ोस में तो जगह इस तरह से है, तो कोई भी साफ हो सकता है। तो देखते हैं कौन सा है। बड़ा है सांप, नाग सांप है। जो मैं इनको पूछ रहा था कि ये जो बिस्तर है ये किनका है, तो एक लेडी का है, और पता नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहाँ पर आके बैठ जाते सांप। मैंने तो तकिए के नीचे नाक पकड़ा था इस तरह से। अभी ये देखिए किधर बैठा है। समझ लीजिए वो अगर डायरेक्ट इसमें हाथ घलते सोते वक्त बिस्तर लेने के लिए, तो क्या हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। होता बहुत कम है, लेकिन आप निगेटिव ही सोचते हैं तो मैं वो बोल रहा हूँ। हुआ तो बहुत कम है, लेकिन आपको संभल के रहने के लिए क्या मतलब कितना आपको अपने घर में सावधानी बरतना ज़रूरी है, ये से आप सोच सकते हैं। ऐसी घटनाएं कुछ नहीं हुई है, ये तो 10 साल रहते हैं। कल हम एक जगह पर गए तो 40 साल खेत के घर में रहते हैं, उधर हमने धामन पकड़ा। तो इस तरह से मतलब कहाँ पर भी साफ हो सकते हैं, और इसीलिए हर चीज़ आपको जांच परख के लेना पड़ता है। देखिए कोई इधर डायरेक्ट हाथ भी ऐसा डालता है तो काटने की संभावना बहुत कम रहती है, नहीं तो बहुत सारे हादसे होते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस तरह से ये ना अभी तो ये कौन जगह सर है? वो हमारा चाचा, मतलब बाहर से अंदर घुसा, तो इधर से खेत करे ना काम में। तो पूरी खेती आपने देखा, मैंने बहुत खूबसूरत नजर मुझे अच्छा लगा, और एहसास मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया। ये बातें बहुत मायने रखती है, साफ साफ होता है और देखने का कैसा नजर है उसके ऊपर डिपेंड है। इनके जानवर है, खेती है, इनके जानवर है, खेती है। और तो नेचर में जब रहते हैं तो नेचर की कुछ अच्छी बुरी बातों को लेकर साथ में चलना पड़ता है। जैसे कि नेचर तो भाता है, अच्छा लगता है, लेकिन उधर रहने वाले प्राणियों की तकलीफ भी सहना पड़ता है और उनको लेकर साथ में चलना पड़ता है। बहुत घने जंगल में तो वहाँ पर शेर वगैरह सब रहते हैं, लेकिन जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब बातें ग्रामीण इलाके में रहते वक्त आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती जो शहर में मिलती है, तो साथ में सांपों के साथ भी रहना पड़ता है। ये तो शहर में भी होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना खूबसूरत जगह वगैरह है, तो सांप यहाँ पर आते हैं, आते रहेंगे। उसको जानना परखना है और हमें कहाँ तक मतलब सावधानी बरतनी है, और उनको क्यों नहीं मारना है, कौन से जहरीले हैं, और काटने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सांपों से मतलब जो डर है वो थोड़ा कम हो सकता है। मतलब यही बात आप ध्यान में रख के काम करेंगे तो आपका डर कम करने के लिए आसान हो जाता है। लगभग 3-3.5 साल की उम्र का ये नाग सांप है, इसको कोबरा कहते हैं, स्पेक्टेकल कोबरा, यानी द्विनेत्रांकी नाग ऐसा इसको कहा जाता है। इसका न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। काटने के बाद आप पट्टी बांध के सीधा अस्पताल में जाना ज़रूरी होता है। अस्पताल में इसके इलाज होते हैं, लापरवाही नहीं और गलत फहमी का शिकार बन के कहाँ पर जड़ी बूटी झाड़ फूंक वाले मंत्र तंत्र वाले उनके पास नहीं जाना है। अस्पताल में जाने के बाद एंटीस्नेक वेनम उसकी दवा है, उससे आप आसानी से बच सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सांप मिला और सुंदर नज़ारा आपके साथ हम शेयर कर पाए। उम्मीद है ये सांप, ये नज़ारा आपको पसंद आया होगा। तो लाइक बनता है, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएगा ताकि इस तरह का सांप जानकारी उन तक पहुँचे और जानकारी के साथ उनका डर दूर कर सके।
अभी यहाँ पर रुकते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन सांप बचाने का, जानकारी देने का, डर दूर करने का ये सफर इसी तरह से जारी है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।